मीडिया इज़ वेरी क्रूशल फॉर फ्लरिशिंग हेल्दी डेमोक्रेसी इन द सोसाइटी, और मीडिया जो है वो अपना मुख्तलिफ किस्म के रोल प्ले करके सोसाइटी में एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट को फ्लरिश भी करता है और उसको स्ट्रेंथन भी करता है. मल्टीपल रोल्स हैं जिनकी थ्रू जो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है किसी भी सोसाइटी में, और मीडिया वो रोल प्ले करता है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल इज़ टू शेयर पब्लिक ओपिनियन विद रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस. लोगों की ओपिनियन को रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाने का काम भी मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से उसमें अपना पार्ट प्ले करता है, और बेसिकली ये ब्रिज क्रिएट करता है बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, और उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है या मुख्तलिफ इशूज़ को उन तक पहुँचाना या हाईलाइट करना या लोगों की ओपिनियन उन तक पहुँचाना जो है वो मीडिया के ज़रिए होता है. ईदर इट इज़ अ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया. सो वो ऐसे फोरम्स हैं जिनके थ्रू लोग अपनी बात जो है वो इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाते हैं, और फिर इंस्टीट्यूशंस उनके ऊपर डिफरेंट एक्शंस लेते हैं फॉर सॉर्टिंग आउट द इश्यूज, फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, एज वेल एज फॉर एड्रेसिंग द ग्रीवियंसेस ऑफ द पब्लिक. सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मीडिया की वजह से पॉसिबल होती हैं किसी भी सोसाइटी में. इट हाईलाइट्स द लूप होल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. किसी भी डेमोक्रेसी में उसके प्लस पॉइंट्स भी होते हैं और उसके नेगेटिव्स भी होते हैं, और जब तक किसी भी नेगेटिव चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता तो उसको करेक्ट भी नहीं किया जा सकता. इसी तरह डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया इंस्टीट्यूशन है वो अपना रोल जो है वो प्ले करता है, और वो डेमोक्रेटिक लूप होल्स को आइडेंटिफाई करता है, और इस तरह से डेमोक्रेटिक प्लेयर्स जो हैं या जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट के, वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं फॉर एड्रेसिंग द लूप होल्स, फॉर रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ताकि लोगों को एक बेहतर डेमोक्रेसी जो है वो मिल सके और वो उसमें बेहतर मेयार ज़िंदगी जो है वो इन्जॉय कर सकें. सो ये भी मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सिर्फ वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही हाईलाइट नहीं करता बल्कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी हाईलाइट करता है, जिसकी वजह से एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो ऑटो करेक्शन की तरफ जाता है और वो सिस्टम जो है वो ठीक होता है और लोगों को बेहतर तौर पर जो सर्विसेज है वो डिलीवर करता है. इट हैज़ एजुकेटेड इलिटरेट मासेस. डेवलपिंग नेशंस में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में मीडिया का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसने मैसेस को एजुकेट किया रिगार्डिंग देयर राइट्स, रिगार्डिंग द पॉलिटिकल मोटिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, और उसके अलावा लोगों को ये भी बताया कि एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट उनके क्या राइट्स हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी में उनके क्या राइट्स हो सकते हैं, और पॉलिटिकल एलीट्स उनके लिए किस तरह से सर्व कर सकती हैं या उसको करना चाहिए. सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक मीडिया ने पहुंचाएं. और अगर हम बहुत सी डेवलपिंग सोसाइटीज़ को स्टडी करें तो हमें यह नज़र आता है कि मीडिया ने इसमें बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया. अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन में देखें तो जो पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में क्रिएट हुई है वो मीडिया के थ्रू ही हुई है, और जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ग्रोथ हुई है या एक्सटेंशन हुई है, और बहुत ज़्यादा हमें उसमें मैसिव ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आती हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है, सो उसकी वजह से एक अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस स्पेशली बहुत ज़्यादा लोगों में क्रिएट हुई है. लोगों को अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता चला है, और एज एन सिटीज़न और इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में भी मीडिया ने उनको बहुत ज़्यादा अवेयर किया है या उनको एजुकेट किया है. सो इलिटरेट मैसेस को अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो मास लेवल के ऊपर वो पहुंचे हैं उन तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट की है, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसकी वजह से लोगों में एक अवेयरनेस आई है रिगार्डिंग द डिफरेंट इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल एलीट्स यूज़ मीडिया फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग. सो पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, और वो इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करती है. अगर हम मेच्योर डेमोक्रेसीज़ में देखें जिस तरह यूके, यूएसए या बहुत से और भी यूरोपियन ममालिक हैं, तो उनमें मीडिया जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर जो मीडिया डिबेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और उन्हीं की बेसिस पे ओपिनियन बिल्ड होता है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, और वो अपनी पॉलिसीज़ को लोगों तक मीडिया के थ्रू, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पहुँचाते हैं. और जब उनके नेशनल टीवी के ऊपर जो कैंडिडेट्स के दरमियान डिबेट्स होती हैं और डिस्कशंस होती हैं, उनकी बेसिस पे लोग अपना डिसीजन लेते हैं फॉर
वोटिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट. सो ये चीज़ आइडेंटिफाई करती है कि मीडिया का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है या वो कितना इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, स्पेशली पोलिटिकल एक्टर्स के लिए, जिसकी थ्रू वो इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं और मास पॉपुलेशन तक पहुँचते हैं. सिमिलरली पाकिस्तान में भी जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है तो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को बहुत हाईलाइट किया जाता है, फोकस किया जाता है. हम 2008 का इलेक्शन देखें, 2013 का इलेक्शन देखें, तो उसमें मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था और बहुत सिग्निफिकेंटली मीडिया ने अपना एक रोल प्ले किया इन द सोसाइटी, और लोगों तक पॉलिटिकल एलीट ने उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक कम्युनिकेट की, और उसकी वजह से एक मोबिलाइजेशन जो है वो कम्युनिटी में हमें नज़र आती है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल matters of the country. मीडिया इज़ ऑल्सो एन इफेक्टिव टूल फॉर ओपिनियन बिल्डिंग. जब इसको डिफरेंट इशूज़ हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या डिफरेंट मैटर्स को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लोगों की इनपुट भी उसमें शामिल की जाती है, कंसर्नड एक्टर्स को या स्टेक होल्डर्स को भी सारे प्रोसेस में शामिल किया जाता है, तो डेफिनेटली उसका आउटकम जो है वो ओपिनियन बिल्डिंग की शक्ल में हमें नज़र आता है और लोगों की में एक सर्टन ओपिनियन जो है वो उस इशू के बारे में या उस मामले के बारे में जो है वो डेवलप होती है, और ये सब मीडिया के जरिए होता है. इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी एडवोकेसी. इसी तरह लोग जो हैं, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं फॉर एडवोकेटिंग देयर पॉलिसीज, फॉर एडवोकेटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, और वो लोगों में एक कंसेंसस जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पॉलिसी, और उस कंसेंसस की वजह से उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है और उसकी जो सक्सेस रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इट ऑल्सो कीप्स चेक एंड बैलेंस ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. सो जो मॉनिटरिंग का रोल है वो भी मीडिया बहुत इफेक्टिवली प्ले करता है, और इसकी थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस जो है वो हाईलाइट भी होती है और चेक भी होती है, और जहाँ पर मैल फंक्शनिंग होती है, मैल प्रैक्टिसिंग होती है, उसको हाईलाइट किया जाता है और इंस्टीट्यूशंस उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. इट हेल्प्स टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट अफेयर्स. जब मीडिया एक मॉनिटर के तौर पे काम करता है तो वो ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन कर रहा होता है किसी भी सोसाइटी में, और उसकी थ्रू लोगों तक इन्फॉर्मेशन जब पहुंचती है और एक ओपननेस का कल्चर क्रिएट होता है और जनरेट होता है, तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत इफेक्टिव होती है, विच लीड्स टू वर्ड्स इफेक्टिव डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन द सोसाइटी. इट ऑल्सो हेल्प्स पीपल इन नरिशिंग देयर राइट्स. जब लोगों को एजुकेट किया जाता है, उनमें अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो डेफिनेटली उनको अपने राइट्स के बारे में भी पता चलता है और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी पता चलता है, और इसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत इफेक्टिव रोल अपना प्ले कर सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ द सोसाइटी. सो इस तरह डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, स्ट्रांग होती है, और एक मैच्योर डेमोक्रेसी हमें सोसाइटी में नज़र आती है.